दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो पिछले 24 वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। अभी जब मैं सिंहावलोकन कर रहा था, आपके श्रीमुख की ओर ताक रहा था इस बात को लेकर के कि आप सभी मुस्कुरा रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, इससे मेरे दिमाग में आया कि मैं अपनी बात आज आरंभ यहीं से करूं। देखिए, जो व्यक्ति जीवंत है, जिसके चेहरे पर मुस्कान है, वह व्यक्ति आवश्यक रूप से जीवन में सफल होगा। ऐसे व्यक्ति जो प्रयास करते हैं सतत रूप से कि मैं इस जहान में आया हूं तो मेरे कारण और कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, मैं कितने लोगों को खुश बना सकता हूं। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन साहब ने एक किताब लिखी है, उसका टाइटल है गिविंग। उसके प्रीफेस में ये कहते हैं कि जो अनुभूति होती है, जो सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है, वो इस बात में निहित है कि आप क्या देते हैं लोगों को, यानी कितना त्याग करते हैं लोगों की आवश्यकताओं को समझ करके। जितना आप कुछ करते हैं देंगे, खुशियां आवश्यक रूप से आपका वरण करेगी। रिसर्चेज ये कहती हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं पैसों से, तो आपको पता नहीं चलता आपका जो चेहरा है वो सबकॉन्शियसली ग्लो करता है फॉर ए वीक्स टाइम, एक सप्ताह के लिए। लेकिन यदि आप मदद करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके पास बैठते हैं, यानी समय देते हैं, पैसा नहीं, समय, यदि आप किसी वृद्ध पुरुष को या किसी भी मानव को अगर आप समय देते हैं, समय का दान करते हैं, तो सबकॉन्शियसली रिसर्चेज ये कहती हैं एक महीने तक आपको पता नहीं चलता आपका चेहरा ग्लो करता है। तो आइए, आवश्यकता इस बात की है, जीवन को सार्थक बनाइए। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कई लोग इसकी जब मीमांसा करते हैं तो स्पष्टीकरण अलग अलग प्रकार से देते हैं। आज के युवा एक प्रश्न करते हैं कि जब आप ये कहना चाहते हैं तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो प्रश्न पैदा होता है कि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो मैं फोकस्ड कैसे होऊंगा, मैं प्रयास कैसे करूंगा, मैं सारे रिसोर्सेज को या जितनी मेरी फैकल्टीज है एज ए ह्यूमन रिसोर्स, उनको मिला करके किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मैं जुटूंगा कैसे। तो इसको सही मायने में समझिए, जब प्रभु कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का तात्पर्य यह है कि तू मेरी संतान है, तुझे पृथ्वी पर इस धरा पर अवतरित किया है कर्म करने के लिए। कर्म से तात्पर्य है सदकर्म करने के लिए। और जब मैंने किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुझे भेजा है तो मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं तेरी राह को सुगम बनाऊं या उस मार्ग को प्रशस्त करूं। इसलिए जो फल है उसकी चिंता इस रूप में मत कर कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर सच्चे मन से ईमानदारी से तूने सदकर्म किया है तो निश्चित जान इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि सफलता आवश्यक रूप से तेरा वरण करे। और एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि आज के इस जद्दोजहद में, जबकि पति और पत्नी के रिश्ते तार तार हो रहे हैं, भाई 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 बहन के रिश्ते, पिता पुत्र के रिश्ते, तरह तरह की कहानियां समाज में रोज हम सुनते हैं उनके संबंधों को लेकर के, जब आज पैसा पैसा और पैसा एक नंगी दौड़ और होड़ मची हुई है कि अधिकाधिक तत्काल कैसे प्राप्त कर लूं बिना कर्म किए, ऐसी स्थिति में आपसे एक अनुरोध कि ऑलवेज बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, ऑलवेज बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। गाड़ी पुरानी है, स्कूटर पुराना है, नई है गाड़ी, जो है उसमें मस्त मौला। सो ऑलवेज बी सेटिस्फाइड इन व्हाट यू हैव बट नेवर बी सेटिस्फाइड
with what you are, but never be satisfied with what you are, because pratishan asim sambhavana aahat deti hai, jise hum sunne se inkar karte hain ki tu apne vyaktitva ko aur adhik parimarjit kar sakta hai. Prayas kar, aastha rakh apne aap mein aur ghamand mat kar. Ye baja do sankalp ke liye ki zordar tarike se. तो स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक कॉलेज के विद्यार्थी एक बार हंगामा जोरदार कीजिए अपने लिए. पच्चीस दिसंबर 1861 को वो जन्मे, भारतीय धरा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी और हमसे बिछुड़े 12 नवंबर 1946 को. एक ऐसा व्यक्तित्व जो समर्पित था सामाजिक सरोकारों से. उन्होंने महत्व समझा शिक्षा का. जो तत्कालीन महाराजा थे उनके पास पहुंचे कि मैं विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता हूं. उन्होंने कहा यह कोई मजाक है, स्कूल खोलना भी मुश्किल है, कॉलेज खोलना और मुश्किल, और आप विश्वविद्यालय खोलेंगे, क्या आपके सोच मात्र से यह बात पूरी हो जाएगी? उसने कहा मैं आपसे सिर्फ एक विनती करने आया हूं, और वह ये कि आप तो मुझे जमीन दे दीजिए, बाकी मुझ पर विश्वास कीजिए, विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक रूप से होगी. उन्होंने कहा कितनी जमीन चाहिए? जितनी तुम्हारी निगाह जाती है उतनी जमीन मिल जाएगी. उन्होंने कहा निगाह नहीं, मैं मेहनत करना चाहता हूं, कर्म करना चाहता हूं. तो राजा ने कहा तो फिर ऐसा करो कि तुम दौड़ आरंभ करो, और सुबह तक जितना तुम दौड़ सको, क्योंकि थक के गिर जाओगे, तो जितना दौड़ सको दौड़ो, और जहां पर तुम गिरोगे वही सीमा होगी, वो सारी जमीन जहां से दौड़ आरंभ करोगे और जहां पर रुकोगे वो तुम्हारे विश्वविद्यालय को दान दे दी जाएगी. वो व्यक्तित्व दौड़ा दौड़ा और दौड़ा पूर्ण समर्पण भाव से, और जब गिरने लगा हाफते हुए तो भी जिस प्रकार से कबड्डी में होता है कि लाइन को टच कर ले और कि 2 इंच और जमीन आ जाएंगी, ऐसे कालजयी व्यक्तित्व का आपको बताना है नाम, जिन्होंने एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय की 1916 में की स्थापना. बताएं और जीते नाम. जी खड़ी होइए आप. मदन मोहन मालवीय. महामना मदन मोहन मालवीय, शुभ नाम आपका. भावना शर्मा. भावना जी क्या बात है, क्या बात है. तालियां जोरों से बजाइए भावना जी के लिए, जोरदार तालियां. और देखिए एक पुरस्कार और दे दूंगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय. आपने सोचा ये पूछो, ये उसकी उन्होंने स्थापना की. आपको ये बताना है कि मरणोपरांत उन्हें कब, वर्ष बता दीजिए, भारत रत्न से जो सर्वोच्च राष्ट्रीय अलंकरण से सम्मानित किया गया, ये बताएं और जीतें पुरस्कार. पूछ लूं मैम आपको तो खड़ी हुई है मैम आप. जी 2014 में मिला है. मिला है. अच्छा उस समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी. प्रणब मुखर्जी. तो देखिए शुभ नाम डॉक्टर विशाली. आप तालियां जोरों से बजाइए मैम के लिए, जोरदार तालियां बजाइए. देखिए और आप